दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। जो आज जो मेरे स्टार हैं, जी हाँ, आज मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा मेहा जी से। शी इज वेरी मल्टी टैलेंटेड, शी इज सो क्रिएटिव। और आइए आज आपकी मुलाकात करता हूँ मेहा जी के साथ। मेहा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। वरुण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेहा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में स्पेशली डिजाइनिंग, क्रिएटिव, यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, तो इस इंडस्ट्री की आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ जी, लाइक इट्स रियली ऑकवर्ड कि मैं एक्चुअली आती हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड से। ओके। मैंने 5 साल काम किया बट आई डिड नॉट एंजॉय एंड आई रियली वाज कीन टुवर्ड्स क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो फिर वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब छोड़ देना है। मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं मल्टीनेशनल में काम करती थी, जॉब छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड समथिंग क्रिएटिव, जिसमें छोटे छोटे इवेंट्स प्लान करना, फ्रेंड्स के लिए इवेंट्स करना, वो सब मैंने शुरू किया एंड देन एवरीवन अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड देन आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड कि मैं प्रोफेशनली शुरू करूँ। तो प्रोफेशनली मैंने किया, आज 6 साल हो गए, मैं ये सब 6 साल से कर रही हूँ। आई एम लविंग इट एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, इवन डिजाइनिंग, प्लानिंग, स्टाइलिंग, इट्स लाइक इन माई ब्लड एंड आई लव। जब आपने इवेंट के अंदर आपने बताया डिजाइनिंग, प्लानिंग, ये चीज थोड़ा सा ब्रीफ में छोटा छोटा एग्जाम्पल देके बताएंगे इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ जी, सो जैसे हम शुरुआत करते हैं इवेंट प्लानर में। सो इवेंट प्लानर बिल्डर जैसा होता है। ओके। सो जैसे बिल्डर, नाइस एग्जांपल, नाइस एग्जांपल, ओके, सो एक्साइटिंग टू लिसन दैट। ओह थैंक यू। सो बिल्डर कैसे, आपने अपना काम बिल्डर को दे दिया, फिर छोटे-छोटे ट्रेड्स की आपको चिंता नहीं है, आपको बस पूरा फिनिश्ड घर चाहिए, वही हमारा काम है। आप मेरे पास आते हो इवेंट प्लानिंग के लिए, बस आप आओ, स्टाइल डिसाइड करो, प्लान डिसाइड करो और भूल जाओ, एज अ गेस्ट जस्ट कम टू योर वेडिंग एंड वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। सो यू जस्ट गिव द डिफरेंट डिफरेंट बजट्स टू देम। यस। कि अगर ये करना चाहते हैं तो इसका ये बजट है, ये करना चाहते हैं इसका ये बजट। सो बजट से ज्यादा इट इज ऑल योर ड्रीम्स। सो मैं कैसे क्रिएट करती हूँ, चलो आपने ड्रीम देखा, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो आप मुझे अपनी ब्रीफ दोगे, तो उसके बाद मैं आपको एक मूड बोर्ड बना के दूंगी। सो वो मूड बोर्ड में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मूड बोर्ड इज समथिंग विच इज नॉट related to what you want, पर ये वो आपका mind open up करता है। जैसे mood board में एक कपड़े का भी texture हो सकता है और एक animal का भी texture होता है, तो उसको merge करके हम कैसे event design करते हैं, that is very different। So यहाँ पर Indian wedding industry या South Asian wedding industry में ये सब services अभी तक आई नहीं है, तो I wanted to introduce something which is very A-listed, top style and top design, so that is what I'm introducing in the industry. That's beautiful. And main cheez kehna chahunga, you are very cute. Aapki smile bahut achhi hai. I feel like that you bahut hi achhi hai. Is tarike se bhi aap kaam bhi karte hain, is tarike se it is coming very very nice. Thanks for the compliment. Aapne kaafi sare events kiye hain, kaafi events se example bane hain karte hue, and unke bare mein batayenge when you done it and uske baad jo appreciation milta hai, so how you feel like? See, हर एक इंडस्ट्री में हर एक रेम्यूनरेशन होता है। जैसे आप जॉब करते हैं तो बोनसेस मिलते हैं, मेरे लिए मेरा बोनस इज क्लाइंट स्माइल। दे रिमेम्बर मी फॉर इयर्स टू कम के मेहा ने मेरी इवेंट की है, एंड दैट इज जस्ट द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर माई लाइफ के कोई बंदा हैप्पीनेस में मुझे इंक्लूड करता है, और वही हैप्पीनेस इफ आई कैन पास इट ऑन टू द क्लाइंट, दैट्स नथिंग लाइक इट, इट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। अभी हम बात करेंगे आपके आने वाले इवेंट की। हाँ जी। So, अभी क्या एक्साइटिंग आ रहा है सबके लिए? Oh, I can't wait. I'm super excited. So, अभी तक I was running my business as Jashna Events, और काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं, but I've been doing it as a custom event designer. Okay. So, अभी I'm relaunching my brand as Neha Shah Weddings and Events. So, जैसे लोग बोलते हैं कि किसने किया, तो जश्न किया तो कोई किसी के दिमाग में नहीं आता। पर्सनली मेहा शाह कर रही है, तो हमें तो मेहा शाह से ही काम करवाना है, हमें तो मेहा शाह ही चाहिए, तो हम आज ही बुक कर लें, बिकॉज उसका 22, 23, 24 बुक्ड है, तो अभी आज ही बुक कर लिए 25 के लिए, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो आई एम रीलॉन्चिंग एज अ वेरी लग्जरियस इवेंट प्लानिंग
स्टाइलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांड एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला. सो ये लॉन्च हो रहा है 2nd of December जहां मैडिसन फंक्शन सेंटर में. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू एज वेल. अमेजिंग. अजय जी इज वेरी काइंड टू हेल्प मी डू इट देयर. एंड अच्छी बात यह है कि ये आपके वीकेंड को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वीक डे में है एंड इवनिंग एंड यू कैन एंजॉय दैट इवनिंग विद निहाशा. यस प्लीज डू कम फॉर द लॉन्च. यू विल सी अ वेडिंग देयर इन अ वेरी एक्सट्रावेगेंट वे. यू विल प्लान योर वेडिंग्स, योर फ्रेंड्स वेडिंग, योर फैमिली वेडिंग्स देयर. यू कैन थिंक व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. एंड सबसे अच्छी बात और सबसे डिफरेंट बात, पूरा का पूरा सेटअप होने वाला है वहाँ पे और ब्राइड एंड ग्रूम नहीं होंगे. दैट्स इट. वही है, आपको पूरी शादी का मजा मिलेगा, सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम नहीं होंगे. यू कैन प्रपोज योरसेल्फ. आप डांस कर सकते हैं? हाँ जी. ओके, डीजे भी होगा? डीजे होगा, प्रोवाइडेड कोविड का कैसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. थोड़ा दूर दूर खड़े होकर डांस कर लीजिएगा. हाँ जी, हाँ जी. एंड वी वुड लव टू सी यू देयर. प्लीज डू कम, प्लीज गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अलॉन्ग. बस एक ही छोटी चीज, हम लोग किड्स को अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट पे नहीं इनवाइट कर रहे हैं. बट अगर आपकी इवेंट हुई जो किड्स फ्रेंडली, आई कैन हेल्प यू. बट जस्ट फॉर द कोविड रिस्ट्रिक्शंस, वुड लव फॉर ऑल द एडल्ट्स टू कम इन फॉर द इवेंट. दैट्स ब्यूटीफुल. एंड इवेंट में और क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? या देयर इज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी. देयर इज अ वेरी बिग सरप्राइज एलिमेंट्स जो आपने शायद देखी होगी या नहीं भी देखी होगी. बहुत सारी चीजें, और सिर्फ इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री से लोग नहीं आ रहे, वेस्टर्न वेडिंग इंडस्ट्री से भी लोग आ रहे हैं जो कि हमारे सप्लायर्स हैं. एंड दे अमेजिंग विद व्हाट दे डू. एंड इफ आप एक बार टाइमिंग फिर से बता दीजिएगा. हाँ जी, 2nd of December को शाम को 6:30 से 9:30 हो रहा है, और हम आवरली स्लॉट्स दे रहे हैं सबको, सो दैट मोर पीपल कैन कम एंड एंजॉय व्हाट दे कैन डू. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम, please do come and let me know while RSVPing what is the best hour that suits you. So 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, and 8:30 to 9:30. So there is a hour slot. Correct. Okay, so एक बार आप जाएंगे कि ये setup है आपका वेडिंग डे से पहले वाले दिन का या उससे पहले वाले दिन का, फिर उसके बीच में सब कुछ दिखने को मिलेगा. सो पूरा एक घंटे में आप आओगे, यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन दैट आवर प्लस द एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग. एंड ऑल थ्री आवर्स हैव द सेम एजेंडा. सो ऐसा नहीं है कि आप ये टाइम पे आओगे तो ये नहीं देखने को मिलेगा, जो जिस टाइम पे आएगा उसको सब कुछ देखने को मिलेगा. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल. तो दोस्तों अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, Madison Function Hall, 2nd of December 2020. It is an event by Mehasha. और Mehasha को आप उनके काम को उस दिन आप देख सकते हैं. और आप 21 में होने वाले इवेंट्स, 22 में होने वाले इवेंट्स, या आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में जौन से भी इवेंट्स आप Mehasha से करवाना चाहते हैं, तो उस दिन आपको देखने का मौका मिलेगा और नए नए आइडियाज Mehasha लेके आएंगे आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. और आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज डू कम. आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड टू लॉन्च दिस इवेंट. आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, शायद आपने ऐसा कुछ सिडनी में देखा नहीं होगा, साउथ एशियन वेडिंग में. सो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम एंड कम. यू विल हैव ड्रिंक्स एंड निबल्स ऑन अस. So I'd really appreciate for you. And also it is the free event as well. So please aiyega and appreciate kijega Mehasha ke kaam ko. And Mehasha ji, we want to wish you best of luck and congratulations once again. You are doing very very well. And आपके आने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच वरुण जी. दोस्तों मिलते हैं हम अगले सप्ताह. एंड आज जो हमारे स्टार है Mehasha, बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आप सबका.